हेलो एंड वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे, जिसमें हम लोग हिंदी और जीएस करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? ऑप्शंस क्या है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जहांगीर ने सबसे पहले सूरत में कारखाना लगाने के लिए किसको परमिशन दिया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश EIC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, इनको इन्होंने परमिशन दिया किसको था, ये अनुमति इन्होंने किसको दी थी, मिनट, थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन क्या है, चंदेल, प्रतिहार, पाल या गहड़वाल। तो यहाँ पर हम अगर हम बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, कब, 1191, जो कि तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और 1192, दो युद्ध हुए थे। पहले में कौन जीता था, मोहम्मद, ये पृथ्वीराज चौहान जीते थे और ये हार गए थे, लेकिन दूसरे में कौन, मोहम्मद गौरी जीत गया था। उस समय कन्नौज पर किसका शासक था, गहड़वाल वंश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कारसापड़, दीनार, निस्क या सुवर्ण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा थी उसको दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है, लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्याग, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संलेखना का मतलब क्या था, उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, मतलब बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। जेम्स प्रिंसेप किसके लिए जाने जाते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने के लिए, किसको, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने के लिए, अशोक शिलालेख को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया, इसने प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। ऑप्शंस क्या हैं, केवल तीसरा सत्य है, पहला और तीसरा सत्य है, पहला, तीसरा और चौथा सत्य है, या सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट ने व्यापारी के अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, पहले सही है, गवर्नर जनरल के लिए एक विधि सदस्य, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि विधि सदस्य जो है किस चार्टर एक्ट के तहत आया था 1833, और पहला विधि सदस्य कौन बन के आया था, मैकाले, पहला विधि सदस्य कौन था, मैकाले, ठीक है। थर्ड क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी सही है, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे कथन सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32, महात्मा गांधी और कांग्रेस ने केवल एक में भाग लिया था 1931 में, क्यों, क्योंकि इरविन से समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, और ये कहाँ होते थे, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या दांडी यात्रा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला इनका क्या था, चंपारण आंदोलन, ठीक है, और कब किया था ये चंपारण आंदोलन, 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, मिंटो या मेओ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्जन, कब किया था, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय क्यों बनाना पड़ा था, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो उस समय कौन था गवर्नर जनरल, ये गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, इसने मुख्यालय किसको बनाया, इलाहाबाद, और यहीं से घोषणा पत्र पढ़ा था और यहीं से जो अधिकार थे ये कंपनी को स्थानांतरित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, या वान झील टर्की में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा खारे पानी की जो झील है ये वान झील है टर्की की, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शंस क्या है, जलवाष्प, निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, दूसरा क्या है, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तीसरा क्या है, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुव के बीच उपस्थित है, जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो कौन सा सही नहीं है, पहला ऑप्शन क्या है, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही है, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये भी सही है, जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई वाली हवाएं हैं और धरातलीय मौसम की दशाओं को प्रभावित करेंगी, ये भी सही है। पूछा गया है गलत, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भूमध्य रेखा के पास में होती है। लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हैलोफाइट्स या थैलोफाइट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लवणीय जल मतलब जो साल्टी वाटर होता है उसमें जो होते हैं उनको बोलते हैं थैलोफाइट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जल में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स ये होते हैं जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची वन को सूची दो से मिलाना है, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, सिलांग, मतलब ये किस तरीके की जलवायु यहाँ पर है। तो अगर बात करें दिल्ली, मुंबई, जोधपुर और सिलांग, अगर दिल्ली की बात करें तो ये कैसी है, अर्धशुष्क, ठीक। मुंबई कैसा है, उष्ण आर्द्र, क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं। जोधपुर की बात करें तो ये राजस्थान में है, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, शुष्क। और सिलांग कैसा है, आर्द्र, क्योंकि यहाँ पर बर्फ रहती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई और दिल्ली अर्धशुष्क रहेगा, मुंबई उष्ण आर्द्र रहेगा क्योंकि समुद्र के किनारे है, थ्री जोधपुर एकदम शुष्क रहेगा क्योंकि राजस्थान में बालुई क्षेत्र है, और सिलांग आर्द्र रहेगा। तो 2, 3, 1, 4 किस में है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरा पूछा गया है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंट्री पॉट व्यापार ये क्या है, निर्यात व्यापार है, आयात व्यापार है, तटीय व्यापार है, या निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो देखो, जो एंट्री पॉट व्यापार होता है इसमें क्या करते हैं, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, मतलब हम एक तरफ से कोई सामान खरीद रहे हैं और उसका तुरंत क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। मतलब तीन पर्सन है, ए बी सी, ए ने बी ने ए से क्या किया, खरीद लिया, आयात किया पहले ना, और फिर सी को क्या कर दिया, निर्यात किया कर दिया। तो ये एंट्री पॉट मतलब खुद उस सामान का प्रोडक्शन ना करके एक जगह से आयात करके दूसरी जगह निर्यात कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, फिर देखना है कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ताटिपाका, कोयली, नागापट्टिनम, नुमालीगढ़, तो ये तेल शोधक कारखाने हैं, कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं ताटिपाका, तो ये कहाँ पर है, आंध्रा में, यानी ए का 3 हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं कोयली, तो ये गुजरात का है, यानी ये 1 हो जाएगा, बी का 1। फिर अगर हम बात करते हैं नागापट्टिनम, तो ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का, सी का हो जाएगा 2। और नुमालीगढ़ असम का है, तो ये हो जाएगा 4। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ताटिपाका आंध्रा में है, कोयली गुजरात में है, नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ असम में है। नुमालीगढ़ तो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था, राज समिति, वांचू समिति, कार्वे समिति या मराठे समिति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कृषि जोत कर का सुझाव किसने दिया था, राज समिति, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक दर का आशय है साहूकारों द्वारा लिया जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक दर क्या होती है, जो हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जो अदर बैंक कमर्शियल बैंक है, इनको जिस रेट पर इंटरेस्ट देता है
उसको क्या कहते हैं, बैंक दर। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, तो जिस ब्याज दर पर यह बैंकों को उधार देता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, या निर्यात मांग की लोच कम हो, आयात की लोच कम हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवमूल्यन। तो अवमूल्यन करना कब सही है, विदेशों में निर्यात मांग की लोच क्या हो, अधिक हो। विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, मतलब वहाँ से सामान ज़्यादा क्या किया जा रहा हो, बाहर निकाला जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, पंचायतों से। तो मतलब कितनी जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए जिसके नीचे पंचायत गठित नहीं की जा सकती, 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 30 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 लाख। यानी अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पर पंचायत नहीं बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, राजदूतों को नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, या लोकसभा भंग करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विधेयकों पर स्वीकृति देना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से किया जाएगा, लोकसभा भंग करना है राष्ट्रपति की सलाह, और राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, ठीक है। इनमें राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है, लेकिन विधेयकों पर स्वीकृति देना, इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, बताना है कि क्या सही है। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर देखो, कथन अगर हम पढ़ते हैं, भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, तो क्या अपने यहाँ प्रेसिडेंसी है, नहीं है, तो ए सही हो गया। दूसरा, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये भी सही है, बी। लेकिन क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, यह कथन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकारों में से नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक, उसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन क्या विरोध का अधिकार दिया गया, नहीं। धरने का अधिकार दिया गया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, लेकिन उसमें विरोध शब्द का यूज नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये हमारे मूल अधिकार में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं, केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और एशिया दोनों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारत और यूएसए में, ठीक है। एक्चुअल में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया है, ये भारत ने कहाँ से अडॉप्ट की है, यूएसए से। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये भारत ने कहाँ से लिया है, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता, यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को वो दे सकता है अपना ब्लड, ऑप्शंस क्या है, बी, ओ, ए या ए बी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी ब्लड ग्रुप ओ। और अगर ऑप्शन ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव दिया है, तो इसमें हमेशा यूनिवर्सल डोनर में ओ निगेटिव सेलेक्ट करना है, ठीक है, ओ निगेटिव। और अगर यूनिवर्सल अडाप्टर कौन सा हो जाएगा, एक्सेप्टर, ए बी, ये सबका ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्वि कुंडलनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी, जैकब तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, एचजी खुराना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जिसको बोलते हैं, किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो एक्वारजिया में क्या क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो जो एक्वारजिया बनता है, इसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं HNO3, और प्लस में क्या होता है, HCl, इन दो चीज़ों को मिला के बनता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में कौन परिवर्तित करता है, यानी जो हमारा AC है अल्टरनेट करेंट, इसको DC डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है, डायनमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर। तो AC को DC में कन्वर्ट करना है, तो ये कौन करेगा, रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है? डीसी को एसी। डायनमो भी क्या करता है? डीसी को एसी। मोटर भी क्या करता है? डीसी को एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोहीलियोमीटर होता है सोलर रेडिएशन, मतलब हाई टेम्परेचर, एक तरीके से कह सकते हो हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हिंदी का क्वेश्चन है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें जो मुहावरा दिया है इसका अर्थ बताना है हमें। ऑप्शंस क्या है? बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना या बहुत ही आशा रखना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या है? बहुत कठिनाई झेलना या बहुत कठिन काम। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राधा घर नहीं है गलत है, राधा घर में नहीं है, राम पाठशाला में बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे ये भी गलत है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया ये एकदम सही है। आप अवश्य सुने होंगे नहीं, आपने अवश्य सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो ये क्या है? अन्न और अन्य, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज, और अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा। यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर। समश्रुति भिन्नार्थक बोलते हैं इसमें, दोनों का प्रोनंसिएशन एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? वागीश्वरी, शारदा, सुधी, वाणी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वागीश्वरी सरस्वती को कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, वाणी भी कहते हैं, सुधी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस या धर्मवीर भारती? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनका बहुत फेमस नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर, मिथिला, हैदराबाद, भुवनेश्वर। तो मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है, और बिहार में क्या? मिथिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, इसके साथ साथ क्या है? मीथेन आता है, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ए जी टांसले, वोर, जे जे थॉम्सन या न्यूटन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, किसने यूज किया था? ए जी टांसले। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो स्टेट से लगा हुआ वो तो नेपाल से, कौन सा? सिक्किम लगा हुआ है, तो यहाँ पर नेपाली भाषा बोली जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन, ब्राज़ील, कनाडा या भारत? तो सबसे ज़्यादा सीमाओं से कौन सा, सबसे ज़्यादा देशों से कौन सा देश सीमा बनाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस क्या हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति को अधिकार है, और कौन सा आर्टिकल है? 72 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा कला जो फेमस हुई ये कुषाण काल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? डेफ कनेक्ट 2.0 मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या लखनऊ? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। डेफ कनेक्ट 2.0 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला? तो कोवैक्स हमें कहाँ से मिला था? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या फिलीपींस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, थाईलैंड से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई? शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असम।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और पहला एथेनॉल संयंत्र अगर की बात करें हम, एथेनॉल संयंत्र तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया था, बेंगलुरु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है, इंदौर, कोच्चि, आगरा, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आगरा बना है यूपी का, ठीक, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया, अनंगताल झील, यह झील कहाँ पर स्थित है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, लद्दाख या एनसीआर दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनंगताल झील कहाँ है, एनसीआर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, लिविंग रूट ब्रिज कैसा है, पौधों की जड़ों से बना हुआ है, मेघालय, असम, उड़ीसा, गुजरात। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय, जिसको किसमें शामिल कर दिया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा किया है, जबलपुर रेलवे, कोंकण रेलवे, चेन्नई से सेंट्रल रेलवे या बिलासपुर रेलवे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस रेलवे ने, कोंकण रेलवे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय, नीति आयोग या गृह मंत्रालय। तो फास्टर नामक जो सॉफ्टवेयर है ये किसने लॉन्च किया है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी शीर्ष स्थान पर है, जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है इसमें नंबर एक पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी है, यही, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये कहाँ स्थित है, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान किसने शुभारंभ किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। तो यहाँ पर स्कूल चलो अभियान किसने शुरू किया है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।